कनाडा में हिंदू मंदिरों पर खालिस्तानियों के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे, जिसके चलते कनाडा में रह रहे हिंदू समुदाय ने विरोध जताना शुरू कर दिया है। मामला यहां तक बढ़ गया कि जिस कनाडा में कभी हिंदुओं ने आंदोलन नहीं किया, उस देश में भी अब बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे लगने लगे हैं। बावजूद इसके कनाडा सरकार कोई सख्त एक्शन क्यों नहीं ले रही? क्या वाकई विदेश में रहने वाले सिखों से खालिस्तान आंदोलन को समर्थन मिलता है? इस पूरे विवाद का कनाडा में रह रहे हिंदू और सिख समुदाय पर क्या असर पड़ेगा? सियासी गलियारों में आरोप ये भी लग रहे हैं कि बीजेपी चुनावी फायदे के लिए खालिस्तानी मुद्दे का इस्तेमाल कर रही है। इन्हीं सब मुद्दों पर आधान हिंदी के रिपोर्टर मोनिश ने बीजेपी नेता तरविंदर सिंह मारवाह से खास बातचीत की है। आपको बता दें कि तरविंदर सिंह मारवाह वही बीजेपी नेता हैं जो पहले भी राहुल गांधी बाज आ जा नहीं तो इंदिरा गांधी वाला हाल होगा जैसा बयान देकर सुर्खियों में आए थे। चलिए सुनते हैं कनाडा के मुद्दे पर उन्होंने आधान हिंदी के सामने क्या बड़े बड़े खुलासे किए। केंद्रीय गुरु सिंह सभा से मेंबर होने के, दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मेंबर होने के नाते हिंदू सिख एकता जो फोरम है ग्लोबल, उसके नाते हमने इस पे गहराई से विचार किया कि जो कनाडा में आपका हादसा हुआ, मंदिर को अपमानित किया गया, वो हमारा धर्म नहीं सिखाता। हमारा धर्म सभी धर्मों का आदर सत्कार करता है, सभी धर्मों का सत्कार भी करता है और सभी धर्मों को इकट्ठा करने का जतन करता है। जो उन्होंने किया अलगाववादियों ने, पुन्नू हो जाए उसके साथियों ने, वो उनको जो गुरु ग्रंथ साहब की वाणी है, जो हमारी दसों गुरुओं की कुर्बानियां हैं, वो उनके खिलाफ गए हैं। क्योंकि गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने शहीदी हिंदू धर्म को बचाने के लिए दी, ये सबको मालूम है। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने चारों साहिबजादों की भी धर्म के लिए ही कुर्बानियां की कि कोई भी धर्म हो सब धर्मों का सत्कार करना चाहिए। गुरु नानक देव जी ने भी यही प्रचार किया कि सब धर्म एक है। तो जो वो लोग कर रहे हैं उनकी हम निखेधी करते हैं, उनकी हम उनको कंडेम करते हैं और वहाँ के प्रधानमंत्री को अपील करते हैं कि इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि इनका कोई धर्म नहीं है। जो ये मुद्दे उठाकर चल रहे हैं वो हिंदू सिख एकता में बाधा डाल रहे हैं, क्योंकि उनका काम है कि हिंदुस्तान जो है, मैं तो कहूँगा कि जहाँ तक मुझे शक है वो ISI के एजेंट है, जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि जो एजेंडा ISI का है कश्मीर में, हिंदुस्तान में, वही एजेंडे पे वो लोग पुन्नू एंड ग्रुप लोगों को, नौजवानों को बकला कर। लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि जो लोग नौजवान हिंदुस्तान से गए हैं, लगातार 10 साल से गए, वो नहीं चाहते, क्योंकि कुछ गुरुद्वारों में इन्होंने अपना कब्जा कर रखा है, वहाँ का धन जो है दुरुपयोग कर रहे हैं, वहाँ का धन जो है वो अपने फायदे के लिए लगा रहे हैं, वहाँ का धन जो है वो जो गुरुद्वारों की चरत है उसका इस्तेमाल करना वो बंद करें और हिंदुस्तान के बारे में बोलना बंद करें और हिंदू एकता को जो करना चाहते हैं वो भूल जाएं। क्योंकि हिंदू सिख एकता ये आज सही नहीं, ये कम से कम नहीं तो 500 समझ लो कि जब से गुरु नानक देव जी का हुआ, उसके बाद जन्मदिन, उसके बाद से हिंदू सिख सब धर्मों का सिख धर्म सत्कार कर रहा है और हिंदू सिख की एकता लगातार कई सालों से एक है। ये कुछ लोग हैं, 100 की तादाद में होंगे, 200 की तादाद में होंगे, कुछ 150 UK में होंगे, कुछ कनाडा में होंगे, बस इन दो कंट्रियों में हैं जो 10-20 200 से
जो मैं कह रहा हूँ ना, 90-98% वहाँ पर भी जो लोग रह रहे हैं उनका हिंदू सिख एकता का प्रतीक है, वो आपस में भाईचारा है, ये गिनती के भी नहीं है। सो तो मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, लेकिन इनको पैसा जो गुरुद्वारों में ऐसे आ रहा है, ISI का पैसा आ रहा है, ये उस पर गेम कर रहे हैं और मीडिया के ऊपर खर्च करके, मीडिया के ऊपर करके अपने आप को हाईलाइट करें। जैसे आज उसने पुन्नू ने धमकी दी कि जिन्होंने ये प्रोटेस्ट किया हम उनको देख लेंगे। हम तो चाहते हैं देख ले, हम तो यहाँ बैठे हुए हैं ना दिल्ली, देख ले। आज उसने उन्होंने कहा राम मंदिर पे मैं अटैक करूँगा, इस हिम्मत है तो करके दिखाए ना पुन्नू, करके दिखाए, बोलने से नहीं होता, करके दिखाए। तो इसलिए इन चीज़ों में ये जो सारी जो इनकी हालात है, मेरे को लगता है वो ISI का हार है। अब जैसे मुझे थ्रेट दे रखी है, अभी 4 दिन पहले थ्रेट दी है, टेलीफोन पे थ्रेट दी है, लेकिन बात ये है कि इन पे हमने तो इसलिए प्रोटेक्ट किया कि अभी तक तुमने कोई एक्शन नहीं लिया, तभी तो प्रोटेक्ट किया। और उनको पता भी लग गया है पूरे कनाडा को कि जो दिल्ली के सिख हैं, पंजाब के हैं, और जगह के सिख हैं, वो हिंदू सिख एकता को और मजबूत कर रहे हैं। तो वहाँ की सरकार बदल जाएगी मेरे को जहाँ तक लगता है, क्योंकि जो ये इनसे करवा रहा है, ये जो है अलकावादी, अंतकवादी, इनका कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं, इनको ISI से जो इंस्ट्रक्शन मिलती है ये उस पर एजेंडे पे चलते हैं। अब ये इंस्ट्रक्शन मिली हुई है कि आप इस एजेंडे को लो, जिस तरह अभी 2 महीने से कश्मीर में चल रहा है मजदूरों के हत्या की, उनकी शहीदियाँ हुई, तो ये लगता है कि ISI चाहता है कि हिंदुस्तान में हमेशा ये दंगा फसाद होते रहे, और कभी मुसलमानों के हों, कभी ये सब ISI की एजेंडे पे ही बात चल रही है। इसी तक खालिस्तानियों में भी गैंगवार है, आपस में गुरुद्वारों का झगड़ा है, आपस में जो गुरुद्वारों की चरत का झगड़ा है। तो इसलिए जो नाजर क्या नाम है उसका, जिसकी हत्या हुई है, वो आपसी उनकी रंजिश में हुई है, आपस के गैंगवार में हुई है, आपस में गुरुद्वारों की लड़ाई से हुई है। ये बिल्कुल झूठ है हिंदुस्तान का, उसमें कोई रोल नहीं है, बिल्कुल रोल नहीं है, कोई सबूत नहीं है। अभी उसने वहाँ के प्रधानमंत्री ने कहा कि यहाँ पर भी खालिस्तानी है, अब कबूल किया है उसने, पहले तो कभी कबूल ही नहीं किया था उसने। तो इसलिए ये जो उनकी आपसी गैंगवार में ही उसकी मौत हुई है। नहीं देखो, पता क्या है, वहाँ की जो सरकार है, जहाँ तक लगता है वोट बैंक की तो लड़ाई है वहाँ, लेकिन उसको ये नहीं पता हालात बदल गए हैं वहाँ की सरकार कि 98-99% जो है लोग वो शांति से रहना चाहते हैं। मैंने कहा ना 150 लोग उनके साथ है, तो लेकिन ये खबर उसको मालूम नहीं, क्योंकि वो किसी की वैसाखियों पे चल रहा है। 22 जो वहाँ की अपना जिसका खालिस्तान से कनेक्ट था पहले, वो उसके उस पर चल रहे हैं 22 सीट पे। लेकिन अब जो है इनका जो पुन्नू जो है, इसका सारा चिट्ठा खुल चुका है। अब ये इसको कोई ना तो हिंदुस्तान में कोई इसकी वो कर रहा है, ना कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, ना कोई इसके लिए फेवर में बात कर रहा है। कहीं पर भी आपने देखा पुन्नू कब से बोल रहा है, कहीं पर भी कुछ भी हिंदुस्तान में आपको नज़र नहीं आ रहा है, एज ए पंजाब में भी नहीं नज़र आ रहा आपको। बाकी जगह वो क्या करेगा, दिल्ली में ना बराबर है, पंजाब में ना बराबर है। तुम 150 आदमी वहाँ पर जो मर्जी बकवास करते रहो, उससे दिल्ली के सिखों को क्या लेना पंजाब के सिखों का, क्योंकि सिख तो ऐसी कौम है जो देश के साथ हमेशा जुड़ी हुई है। चाहे आप चीन का देख लो, चीन के साथ मुकाबला देख लो, चाहे पाकिस्तान के साथ देख लो, हमेशा ही बॉर्डरों में भी देख लो, कहीं पर भी आपको ये नहीं लगेगा कि सिख ने पीठ पे गोली खाई।
सिख ने हमेशा छाती पे गोली खाई। आज आप इकोनॉमी में देख लो, बाहर के मुल्कों में देख लो, यूके में देख लो, सिख कितने आगे बढ़ गए, सिख अपने आप को कितने गुरुद्वारे बना लिए। ये तो दो चार हैं, 50-40 जो हैं वो अपनी चरत के लिए, ISI के पैसे के लिए वो वहाँ पर गेम कर रहे हैं। उससे ना पंजाब के सिखों, मैं तो कहूँगा जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं सिख बहुत मजबूत हो गए इंडिया में। भारत सरकार में जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं सिखों को बहुत वो दे रहे हैं, सिखों से वो बहुत प्यार करते हैं। सिखों के लिए उन्होंने क्या नहीं किया, करतारपुर का कॉरिडोर जो पाकिस्तान हमारे संबंध खिलाफ है अपनी कूटनीति से, आज हजारों सरदारों सुबह जाते हैं शाम को वापस आते हैं। जो हमारी अरदास में भी कि हमारे जो गुरुद्वारों के दर्शन खुले कराओ, ये नरेंद्र मोदी जी ने खुले कराए। GST स्वर्ण मंदिर से मोदी जी ने हटाई, बाल दिवस छोटे साहबजादों का आज तक देश की आज़ादी के बाद किसी ने अगर किया है तो वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। पूरे हिंदुस्तान में अब बाल दिवस मनाया जा रहा है, किताबों में छोटे साहबजादों का जिक्र आ रहा है कि उनकी लोगों को बताने के लिए उन्होंने अपने देश के लिए धर्म के लिए क्या कुर्बानी दी, ये लोगों को मालूम नहीं था। लेकिन मोदी जी ने जब ये शुरू किया ये बाल दिवस का 26 दिसंबर, आज छोटे साहबजादों का सबको मालूम हो रहा है छोटे साहबजादों ने क्या कुर्बानी दी। कोई 12 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा कोई नींव में चिन के अपनी शहादत दे सकता, ये छोटे साहबजादे। तो इसलिए अब बलत बदल गया। पुन्नों को मैं चेतावनी देता हूँ कि तू ये भड़काने वाले बंद कर, तेरे साथ कोई सिख कौम का नहीं है, और अगर इसका नाम कर कुछ हिंदुस्तान की तरफ तूने आँख उठा कर भी देखी तो तेरा बहुत बुरा हाल होगा। कई बार किसी कंट्री से हो जाता है, आपने भी देखा हो, कई बार होता है, ये टेम्परेली फेस होता है, फिर ठीक हो जाता है। अभी टेम्परेली चल रहा है, अभी देख लेना आप बिल्कुल ठीक हो जाए, क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी वो बहुत ही कूटनीति से चल रहे हैं। आपने देखा ट्रंप कितनी प्रशंसा उनकी कर रहा है नरेंद्र मोदी जी की, पुतिन कितनी कर रहा है आपका, चाइना वाले ने भी करनी शुरू कर दी। आपने देखा दोबारा से 3-4 साल से ऐसे कर रहा था, लेकिन अब उसको भी पता लगा कि नरेंद्र मोदी, क्योंकि सब देशों को पता है कि हिंदुस्तान आने वाले में अर्थव्यवस्था में तीसरे नंबर में पहुंचने वाला है, और 2047 में कहीं ये ना हो हिंदुस्तान, मोदी जी अभी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पहले नंबर पे आ जाए। तो ये बहुत बात है, आज पहले हिंदुस्तान का 2013 से पहले कोई हिंदुस्तान का कहीं नाम लिया जा रहा था विदेश कूटनीति में, कहीं नहीं लिया जा रहा था, मनमोहन सिंह जी भी पीछे खड़े रहते थे। अब जो है जहाँ पर आप देखो नरेंद्र मोदी जी का किस तरह स्वागत हो रहा है किसी भी कंट्री में, चाहे सऊदी अरबी में चले जाए, चाहे ऑस्ट्रेलिया चले जाए, चाहे कहीं पर भी वो गए हैं, स्वागत में कोई कमी नज़र आ रही है, यूके में गए हैं, कहीं पर भी गए हैं, उनका हर जगह दिल से स्वागत कर रहे हैं। और अभी भी लोगों की आस्था है यूक्रेन और ये जो रशिया का झगड़ा है ये मोदी जी सुलझाएंगे, मोदी जी शांति के दूत है, ये सब जगह पूरे वर्ल्ड में पता लग गया। आज वर्ल्ड में पूरे में मोदी जी को ऐसी कोई कंट्री नहीं, कोई नागरिक नहीं जो मोदी जी को नहीं जानता। आपने कहा पंजाब में BJP, पंजाब में अकाली दल और BJP का कई सालों से डायरेक्ट समझौता चल रहा था, आज अगर को समझौता टूट जाए तो पार्टी को मजबूत करने के लिए समय लगता है ना, अभी समझौता 5-6 साल से ही टूटा है ना, अब पार्टी को मजबूत करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। लेकिन आज की पोजीशन जो पहले समझौते से है, अब अकाली दल की और BJP की पोजीशन अच्छी हो गई है, अकाली दल की पीछे रह गई है बादल की,
तो इसलिए किसी भी पार्टी को जब इकट्ठा चल रहे हैं टूट जाए तो थोड़ा सा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को भी पंजाब में पसंद कर रहे हैं जी, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर पंजाब में, मैं बार बार कहता हूँ पंजाब के लोगों को, खासकर सिख समुदायों को, कि आप मोदी जी के साथ लगो, अगर पंजाब का कोई बुलाया ही चाहता है, ये जो अभी मान बना है इसको क्या एक्सपीरियंस है, नाच गाने वाला चीफ मिनिस्टर बन गया, इसको एक्सपीरियंस क्या है ये तो पता लगे। एक शराबी जो जहाज से उतार दिया जाता है उसको आपने चीफ मिनिस्टर बना दिया, ये क्या करेगा, जिसको अपना ही नहीं पता दूसरों के लिए क्या करेगा। पंजाब को डुबई जा रहा है, नशे में डुबई जा रहा है, पाउडर में डुबई जा रहा है, अफीम में डुबई जा रहा है, लोगों को गुमराह करी जा रही, नौजवानों को खराब करी जा रही। आप जब इसकी सरकार बनी है उसके बाद आपसे नशे में 20% वृद्धि होगी, और ISI यही चाहता है कि पंजाब का सत्यानाश कर, पंजाब अपनी खुशहाली पे है, लेकिन जो पॉलिटिकल है पंजाब वीक जा रहा है। अगर पॉलिटिकल सेंटर के साथ पंजाब जुड़ जाए, मोदी जी के साथ जुड़ जाए, तो पंजाब की हालत आप देख लेना, एक बार मोदी जी के साथ जुड़ के 5 साल अगर बना दें तो आप देखना पंजाब का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। नहीं नहीं, पंजाब में तो केजरीवाल का सत्यानाश है, पंजाब में तो अब केजरीवाल को दिल्ली में कोई नहीं पूछ रहा, आज उसकी हालत चेहरे से नहीं दिख रहा, किस तरह निकलता था, आज क्या भीड़ है उसकी, जहाँ जाता अपने पेड़ कार्यकर्ता बुला लेता 1000-1500। इसने दिल्ली का प्रदूषण, सबसे बड़ी बात है जिस चीज की इंसान को जरूरत है अगर आप उस चीज का मतलब उसको खत्म नहीं करोगे, जिससे कि प्रदूषण से लोगों का क्या हाल हो रहा है, आपने उसकी तरफ तो ध्यान दिया नहीं 10 साल से, आपने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, और आपका बजट 85,000 करोड़ है, आप कोई चीज तो करते ना कि प्रदूषण दिल्ली में ना हो। 100 तरीके हैं प्रदूषण को दिल्ली से खत्म करने के, लेकिन आपकी नीयत तो हो, आप गंगा मैया को, जमुना को साफ नहीं कर सके आज तक, 85,000 करोड़ रुपए। आज मलबे, अभी मैं चंद्र विहार से आया हूँ, रास्ते में निकला तो ढेर लगा हुआ है कूड़ेदानों पे, तो आप कर के रहे हो, पहले तो कहते थे दिल्ली नगर निगम में हम नहीं है, अब तो आप हो ना, उसको भी 1.5 साल हो गया ना, 1.75 साल, आपने किया क्या बताओ तो सही, आपने किया क्या, दिल्ली नगर निगम भी ले ली तब भी कुछ नहीं किया आपने, क्योंकि आपकी नीयत ही नहीं है, आप तो सिर्फ पैसे बटोरने आए हो। वो तो ये भी कह रहे हैं कि अदालतें भी गलत है, क्योंकि हमको ऐसे ही जुल्म में 2-2 साल बिठाई रखा, हम तो निर्दोष हैं। अरे इस हिंदुस्तान में इतना बड़ा व्यक्ति अगर निर्दोष हो, उसको आप आज की जेल, आज के दिन में जेल में बंद नहीं कर सकते, वो भी किसी चीफ मिनिस्टर को, सबूत है तो वो जेल में गया है, अगर सबूत ना होते तो वो जेल नहीं जाता। जो दिल्ली में बच्चे को पता है कि दिल्ली में शराब नीति में पैसे खाए, अगर 4 साल के बच्चे से भी पूछो वो भी कहेगा खाए, और आप कह रहे हो अकेले हम आजाद, चंद्रशेखर आजाद है, हम ये हैं, भगत सिंह है, हम ये हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, लोगों को झूठ बता रहे हैं आप, आपने पैसे खाए हैं, आपने मिनिसी सुजुकी ने खाए हैं, आप तभी 1.5-1.5 साल बाद आपकी जमानत हो रही है, ठीक कह रहा हूं। तो इसलिए ये बात नाटकबाजी बंद करें, दिल्ली का किया क्या ये तो पता लगे ना। मेट्रो जो है वो सेंटर के अंदर आ रही है, मेट्रो जितनी हो रही है सेंटर बना रहा है, जो हाईवे दिल्ली के साथ जुड़ रहे हैं वो सेंटर बना रहा है, आपने क्या किया ये तो बताओ। 85,000 करोड़ का बजट जा कर रहा है, आप कह रहे थे ढलान वहीं कूड़ादान बना हुआ है, ये इधर वाली जमुना पार वाली भी वहीं बनी हुई है,
आपने किया क्या ये तो पता लगे। चार दिन निकले थे हम सड़के फर्स्ट क्लास कर देंगे, अभी मैं चंद्र से बिहार से खड्डे खड्डे कहाँ खड्डे नहीं है कुछ नहीं। चार दिन ड्रामा किया, अब पांचवें दिन भूल गए, सड़कों को भूल गए। आप 85,000 का मतलब है कि 1,000 करोड़ भी विधानसभा में लगा दो तो वो तो कहां से कहां बन जाएगी, लेकिन 85,000 करोड़ का पता ही नहीं लग रहा। आपने बुजुर्गों की पेंशनें बंद कर रखी है, 4-5 साल हो गए। जो महिलाएं हैं बेचारी बुजुर्ग, उनकी पेंशनें बंद है। आपके क्लिनिक खुले थे, सारे क्लिनिक को ताले लग गए। एक आधा कोई दिल्ली में चल रहा होगा, दवाई नहीं है, किराया आपके भरकर खा रहे हैं। ये तो बताया किया क्या, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। जो ये इसने सब्सिडी दी है, ये कांग्रेस के टाइम भी थी, इसने थोड़ी सी बढ़ा दी। जो झुग्गियों वालों को पानी मिल रहा था वो कांग्रेस के टाइम भी, पहले भी सरकारें फ्री दे रही थी, सुन लो। उसके अलावा इसने कहा था झुग्गी झोपड़ी वालों को मैं जीतते ही मकान बना के दूंगा। झुग्गी झोपड़ी से कई कैंपों से 90,000 जमा करा दिया, और जहां मकान बने हैं वो खंडर बन गए हैं। जो मकान बने हैं, जो गरीबों को चाबियां मिलनी थी, आज वो खंडर बन गए हैं दोबारा से। उनकी टूटियां, उनके जो बाथरूम सब तोड़ के ले गए हैं लोग। तो इसलिए केजरीवाल झूठ बुलाना बंद करे। और आप नरेंद्र मोदी जी के, अभी आपने कहा कि नरेंद्र मोदी जी देखो तीसरी बार चुनाव में सरकार बनाना, हिंदुस्तान में पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है जो तीसरी बार रिपीट हुआ है, और ये पूरे 5 साल चलेगी। अभी दूसरे दल के भी जो एमपी है वो भी देखना आप। और अगली बार ये भी मैं बता दूं, आज लिख लो कि राहुल गांधी अभी 99 लेके आए, अगली बार फिर ये 42 पे आ जाएगा, ये भी सुन लो। क्योंकि इस बार उन्होंने झूठ बोले कि हम 1,000-10,000 महिलाओं को पैसे दे देंगे हर महीने, हम आपके अकाउंट में डाल देंगे आपको, हम हमारा संविधान खतरे में है। किस चीज का संविधान खतरे में, पता तो लगे। मोदी जी ने तो ये भी कहा ऊपर से, भगवान भी ये संविधान को जो इसका खतरा बता रहे हैं नहीं बदल सकते, अम्बेडकर जी का बनाया हुआ। हाँ, ये सब झूठ बोल रहे हैं, राहुल गांधी भी सब झूठ बोल रहे हैं। तुमने क्या किया, तुम्हारे ऊपर तो चार्ज ही चार्ज लगे हुए।